डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे हर एक जिलों में बसने वाले ये रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ उमड़े सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खुशी हो रही है, हम रास्ते भर श्रद्धालुओं को देखते आ रहे हैं। हम भी आदर सत्कार करते हुए उनको नमन करते हुए आ रहे हैं। और आज हम आज पर पहुंचने का हर लोगों का उम्मीद और प्रयास लगा रहता है। कोई सड़कों के माध्यम से, कोई गली कूचे के माध्यम से, कोई पगडंडियों के माध्यम से यहां पहुंचने का काम कर रहे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग चलते चलते थकते भी हैं, लेकिन रुकते नहीं, फिर उठकर चलते हैं और यहां पहुंचते। ये भगवान राम का आस्था है कि कमजोर से कमजोर आदमी को उसके शरीर में इतनी ताकत भरती है कि कोसों दूर लंबी चल चल करके आज इस धर्म स्थान पर पहुंचता है। ये परंपरा और ये ताकत हमें मिलती रहे, इसके लिए हमें भी भगवान रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अपने आप को त्याग दिया और आज हम उनके विचारों का और उनके आदर्शों को सीने में सपेट कर चल रहे हैं। ये भारतवर्ष का ये अद्भुत और एक अदृश्य ऐसी ताकत हमें एक दूसरे से बांध रखा है, जहां आज हम लोग इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित होते हैं और अपने भगवानों को याद करते हैं, अपने आदर्शों को याद करते हैं। मेरी ओर से आप सकुशल आज इस धर्म स्थान पर माथा टेके भगवान का आशीर्वाद लें, प्रसाद लें और निश्चित रूप से हम सब सुख समृद्धि का, इंसान भूखा होता है, आपका पूरा परिवार, राज्य का, देश का हर समाज, हम सब सुख समृद्धि के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मेरी ओर से पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो,
सचिव श्री श्री राम जानकी संकोट मध्य दीवारनपुर आप तमाम दर्शनार्थी हिंदुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री महामंडल दीवारनपुर मेले सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।